अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फानी आर राउंडर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सी पैक के वाले से आपके लिए वीडियोस वगैरह लाते रहता हूं, तो जनाब आज हमारा एक ऑर्डर कंक्रीट हो रहा है जो कि 45 मीटर का है। इसके अलावा जनाब साइड पर जो है ना वो पानी आ चुका है, सिलाबी पानी, और काफ़ी सारा हमारा काम जो है ना वो डिस्टर्ब हो चुका है, आपको वो भी दिखाते हैं। इसके अलावा जनाब हमारी केजेस जो है ना वो मुकम्मल हो चुकी हैं, लास्ट केजेस आप कह सकते हैं कि उनकी जो है ना शिफ्टिंग तकरीबन मुकम्मल होने वाली है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो ईद तक जो हमारा काम का टारगेट है वो भी आपको बताएंगे कि हमारा कहां तक टारगेट है फाइनल करने का। उम्मीद करता हूं मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो भाई जान, आपको याद होगा कि पिछले कुछ चंद व्लॉग्स पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारा नया जो कंक्रीट प्लांट है वो लगने वाला है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कंक्रीट प्लांट है वो इंस्टॉल हो चुका है। कंक्रीट प्लांट के अंदर तीन चीज़ें होती हैं जो माशाल्लाह तीनों चीज़ें जो है ना वो फिक्स हो चुकी हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं हमारा सामने सेलो है, उसके बाद जनाब आपकी जहाँ पे मतलब जो मिक्सचर मशीन होती है और टीएम जहाँ से भराई होती है वो वाली जगह होती है, तीसरे नंबर पे जनाब ये आपका होता है जहाँ से मटेरियल जो है ना अंदर रखा जाता है। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें माशाल्लाह इंस्टॉल हो चुकी हैं। तो अभी जनाब हम जाने वाले हैं आपके ब्रिज के ऊपर, तो मैं क्रेन का वेट कर रहा हूँ। तो सामने आप देख सकते हैं कि हमारी क्रेन आ रही है, तो इंशाल्लाह इस क्रेन के ऊपर बैठ के हम ब्रिज के ऊपर चले जाएँगे और हमारी ब्रिज के ऊपर जो हमारी दो केजेज हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब एक केज मतलब हमारी रहती है जो कि शिफ्ट करने वाली है। तो जैसे ही मतलब हमारे ये दो केजेस चली जाएंगी तो वहीं पे हम इसको लोअर भी कर देंगे, तो हमारी मतलब एक केज बाकी रहती है। टोटल 16 केजेस में से हम कह सकते हैं कि हमारी जो है ना एक केज रह जाएगी, 15 केजेस जो है ना वो मुकम्मल हो जाएंगी। तो ये माशाल्लाह देख सकते हैं क्रेन हमारी पहुंच चुकी है। तो हम इस वक्त पहुंच चुके हैं जनाब अपनी करवट के ऊपर, तो 19.1 RD के ऊपर हम मौजूद हैं। तो ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह हमारी करवट जो है ना हाफ जो है ना वो भराई हो चुकी है, उनकी वाल्स वगैरह बेड तो पहले से भराई हो चुका था। वाल्स की जो है ना कंडीशन ये है कि आप देख सकते हैं कि ये वाली वाल भी भराई हो चुकी है। तो एक साइड की वाल तकरीबन मुकम्मल जो है ना वो भराई हो चुकी है और दूसरी साइड की जो वाल है वो हाफ तक भराई हुई है, अभी हाफ रहती है। तो माशाल्लाह यहाँ पे मतलब अच्छे तरीके से वर्किंग चल रही है। ये देख सकते हैं कि यहाँ से मतलब आपको वाल थोड़ी सी दिखाई दे रही होगी जो कि अभी भराई नहीं हुई, तो हाफ तक आपकी भराई जो है ना वो हो चुकी है पीछे से, अभी इस तरफ से जो है ना वो रहती है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये भी कंप्लीट हो जाएगी। तो जनाब सैलाब का पानी आप देख सकते हैं कि इस तरफ पानी आया हुआ है, यहाँ पे एक नहर है तो वो सैलाबी नहर है। जब मतलब पानी आता है यहाँ पे तो जब ज़्यादा हो जाता है तो लोग फिर इस तरफ पानी को जो है ना वो काट देते हैं, क्योंकि यहाँ पे फसल चल रही है, यहाँ पे गंदम चल रही है, तो इसलिए जनाब गंदम को वो बचाते हैं और फिर जो आपका खाली एरिया होता है वहाँ पर पानी डाल देते हैं। तो ये पानी यहाँ की ज़मीन के लिए अच्छा है, इसको मीठा कर देगा इस ज़मीन को, तो क्योंकि ये सैलाबी पानी है, नहरी पानी है, तो ये मीठा कर देता है ज़मीन को। तो पानी अब जो है ना अब यहाँ पे लगा हुआ है आप देख सकते हैं। तो इस वक्त हम आपकी जो कलवट है, तीन सेल वाली कलवट है, हम वहाँ पे मौजूद हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये हमारे तीन सेल वाली कलवट है, तो यहाँ पर पानी भर चुका है। तकरीबन हम कह सकते हैं कि 3 फिट मेरे ख्याल में 3 से 4 फिट पानी यहाँ पर खड़ा होगा। तो दूसरी साइड पर रास्ता बनाना था तो इसलिए वहाँ पर मट्टी वगैरह डाली है, तो फिर जनाब यहाँ पे पानी खड़ा हो गया। अगर वहाँ पे मट्टी नहीं डालते तो ये वाला पानी जो है ना रोड को क्रॉस कर रहा था। तो आगे जाके भी मैं आपको दिखाता हूँ पानी आगे कहाँ जा रहा था। तो ये वाला एरिया जो है ना दूसरे एरिया से थोड़ा डाउन है, इसलिए ये पानी जनाब इस तरफ जो है ना वो क्रॉस कर रहा था। ये देख सकते हैं यहाँ पर मट्टी वगैरह डाल के ना, क्योंकि हमें रास्ता भी चाहिए होता है गाड़ियों वगैरह के लिए, तो यहाँ पर रास्ता वगैरह बनाया गया है। तो ये देखें यहाँ से जनाब पानी आपका दूसरी तरफ जा रहा था और ये पानी अच्छा खासा आगे गया भी है, लेकिन यहाँ पे फिर रास्ता बनाने के लिए जनाब थोड़ी मिट्टी वगैरह डाली है, पानी को बंद कर दिया ताकि आगे हमारा काम भी चलता रहे। तो इस वजह से जनाब अब कलवट के ऊपर पानी आपका जो है ना वो खड़ा हो चुका है, नीचे इसके लीन भी डली हुई है। तो जनाब हम पहुँच चुके हैं आपके अंडरपास के ऊपर। तो अंडर
पास जनाब हमारा तकरीबन हम कह सकते हैं कंक्रीट के लिए रेडी हो चुका है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये जैसे ही कंक्रीट हो जाएगा तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में उसकी भी वीडियो इंशाल्लाह दिखाऊंगा। तो ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह इनकी तीनों साइड्स के ऊपर शटरिंग का काम मुकम्मल हो चुका है। अब जनाब ये सेंटर में शटरिंग होना बाकी है, तो बहुत जल्द इंशाल्लाह ये रेडी हो जाएगा। तो तकरीबन हम कह सकते हैं कि हमारा जनाब जो टारगेट है ईद तक का वो यही है कि जनाब इस हाफ को जनाब भराई करके जो आगे वाला हाफ है इसको भी कंप्लीट किया जाए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जनाब इसका जो बेड है ना अंडरपास का ये मुकम्मल कर लें। तो जनाब यहाँ पे हमारी जो है ना केजेस के साथ पाइप वगैरह आए हुए थे, तो जनाब हालांकि केजेस हमारी ब्रिज के ऊपर जानी थी लेकिन पाइप जो है ना अंडरपास के ऊपर आने थे, तो पाइप उतारने के लिए इन्होंने जनाब जो ट्रैक्टर है ट्रैक्टर को यहाँ पर ले कर आ गए हैं। अब ट्रैक्टर यहाँ पर फंस गया है क्योंकि पानी यहाँ से गुजर रहा है, तो पानी की गुजरने की वजह से जनाब यहाँ पर रास्ता जो है ना वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो इसके ऊपर हालांकि इतने ज़्यादा पाइप नहीं थे लेकिन क्या करें, अब लेबर है तो लेबर ने कहा कि नहीं जी पाइप जनाब हम आगे क्रॉस करके उतारेंगे। हालांकि इस पानी से पीछे भी उतार के पाइप्स को आगे लाया जा सकता था लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो अभी जनाब इस ट्रैक्टर को निकालने के लिए एक्सीवेटर बुलाया गया है ताकि इसको जनाब यहाँ से निकाला जा सके। यहाँ पर जनाब हम पाइप अनलोड करने के बाद इसको जनाब ट्रैक्टर को फिर वापस लेके जाएंगे हमारी इसकी तरफ ब्रिज की तरफ। तो ये केजेस फिर हमने यहाँ पे मतलब इस ट्रैक्टर को हम निकालेंगे, ट्रैक्टर को निकालने के बाद फिर ये रास्ता बनाएगी एक्सीवेटर, जब रास्ता बन जाएगा ये फिर वापस आएगा। तो जनाब ये आप कह सकते हैं कि आज भराई होने थे बोर लेकिन ये नहीं हो सके, तो ये केज भराई होनी थी इस वजह से नहीं हो सके क्योंकि यहाँ पर जनाब ये ट्रैक्टर जो है ना हमारा फंस गया है और बाहर नहीं निकल रहा, तो फिर वेट करना पड़ता है। एक्सीवेटर जो है ना वो स्लो स्लो आती है और ये एरिया भी बहुत मतलब लॉन्ग एरिया है, ऐसा नहीं होता कि जहाँ पे आप चाहें तो वहीं पे आपको मशीनरी मिल जाए। तो मशीनरी जो होती है वो हमेशा कैंप में होती है या फिर किसी प्रोजेक्ट के ऊपर खड़ी होती है, तो वहाँ से उसको बुलाना पड़ता है तो अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो ये आप देख सकते हैं जनाब अभी एक्सीवेटर ज़ोर लगाने वाला है तो इंशाल्लाह अभी निकल जाएगा उम्मीद करते हैं। तो माशाल्लाह एक्सीवेटर को पीछे करा, एक्सीवेटर पीछे करा, हेलो वालेकुम सलाम, एक मिनट होल्ड करा, एक मिनट अब फचा करा, इसके बाद जनाब ये हमारी कलवट है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमारा पानी जो है ना वो आ चुका है और ये हमारी अंडरपास के बिल्कुल करीब है जिसकी एक्सिबिशन मैंने आपको दिखाई थी और ड्रेसिंग वगैरह भी इसकी कंप्लीट हो चुकी थी लेकिन पानी आने की वजह से सब कुछ जो है ना वो ख़त्म हो चुका है। तो अब ईद से पहले तो इसको कम्प्लीट नहीं किया जा सकता। तो सामने आपको एक्सीवेटर भी दिखाई दे रहा है जो कि रास्ता बना रहा है और साथ जनाब क्योंकि ये हमारी जो ड्रेन है यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि छोटी सी जो ना ड्रेन है, तो ड्रेन की वजह से जनाब यहाँ पे पानी आना ही है, तो लेकिन हमने रास्ता भी बनाना है तो एक तरफ से जो ना रास्ता बनाना हमने स्टार्ट कर दिया है। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब छोटा सा जंगल था, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि अभी भी हम जो है ना वहीं पे मौजूद हैं अंडरपास के बिल्कुल करीब ही, तो यहाँ पे मतलब छोटा सा जंगल वगैरह मौजूद था तो उसको आग लगा के साफ़ कर दिया गया था। शायद वो इसको आबाद करना चाहते थे, ये जो लकड़ियाँ वगैरह ये सारी यहाँ से हटाना चाहते थे लेकिन तब तक जनाब यहाँ पर पानी आ चुका है। तो अब पानी का कलर जो है ना वो भी आप देख सकते हैं कि ब्लैक ब्लैक कलर हो चुका है, तो उसकी वजह यही है कि यहाँ पे जो खाक वगैरह है जो आग जलाने की वजह से जो खाक पैदा हुई थी वो इसमें मिक्स हो चुकी है, इस वजह से जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी का कलर जो है ना वो ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है। तो जनाब माशाल्लाह हमारा ट्रैक्टर वहाँ से वापस आ चुका है, रास्ता हमने बना लिया था। तो ये देख सकते हैं कि एक जो हमारी केज है एक बोर जो है ना हमारा अनलोड हो चुका है, तो दूसरा जनाब ये आया हुआ है तो ये इंशाल्लाह अनलोड करते हैं, उसके बाद हमारा एक और रह जाएगा।
जाएगा। तो ये दो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आज या कल में ये कंप्लीट कर लेंगे, फिर हमारा एक बोर रह जाएगा, फिर उसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो इसकी मतलब हम कह सकते हैं कि जो स्टील फिक्सिंग का काम है वो तो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अभी शिफ्टिंग हो रही है, तो दो तो शिफ्ट हो गए हैं, एक हमारा शिफ्टिंग वाला रहता है, तो इंशाल्लाह जनाब वो भी इंशाल्लाह शिफ्ट कर लेंगे। तो बाकी जनाब अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है कंडीशन। तो जनाब ये हमारा जो है ना गर्डर जो है ना वो कंक्रीट हो रहा है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये भी हो जाएगा। तो जनाब हमारा टारगेट यही है, आपको मैंने बोला था कि जनाब मैं आपको टारगेट के बारे में बताऊंगा। तो जनाब हम अंडर पास को कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की, इसके अलावा केजेस हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी पानी की वजह से काम तो तकरीबन हम कह सकते हैं कि आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जनाब आगे जो नया ब्रिज हमारा आ रहा है 1 मीटर केजेस वाला, तो उनकी जनाब केजेस जो है ना एडवांस में बना के रखेंगे, तो हमारी कोशिश यही रहेगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।